हेलो दोस्तों नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लेम स्पोर्ट्स में दोस्तों बात करेंगे एनबीए बी का आज का सेकंड गेम लॉस एंजलिस लेकर्स वर्सिस गोल्डस्टेट वोरियस के बीच जो मैच होने वाला है उसके बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि रसल वेस्टबुक एंथनी डेविस और लेबरॉन जेम्स तो एक साथ नहीं खेलते हैं लेकिन आज का मैच ऐसा है कि मेरे ख्याल से तीनों एक साथ खेल सकते हैं वेस्टबुक है एंथनी डेविस है और दोस्तों लेबरन जेम्स ठीक है मेरे ख्याल से तीनों एक साथ खेल सकते हैं वो भी कैंट बेजमोर के साथ और दोस्तों वे एनिंग स्टार्ट करेगा या तो फिर दी अंद्रे जोर्डन स्टार्ट करेगा ठीक है जिसमें दोस्तों बात की जाए तो एक कुछ ऐसे प्लेयर्स है जैसे टी हो गया मलिक मोंक हो गया ये सारे प्लेयर्स दोस्तों आउट होने वाले हैं एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा लेकिन सबसे पहले गोल्ड स्टेट स्टेटोरियस की स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेफन करी है जॉर्डन पुल है और यहाँ पे दोस्तों ड्रीम ऑन ग्रीन है और केवन लूनी है ठीक है अभी दोस्तों मेरे ख्याल से एन्द्रो विगिन स्टार्ट कर सकता है अगर वो नहीं खेला दोस्तों तो उसकी जगह ऑटो पोटर जूनियर स्टार्ट करेगा ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है ट्राइवर अरिज अभी दोस्तों आउट होने वाला है बाकी दोस्तों यहाँ पे केंद्रित नन आउट होने वाला है उसका जेम्स वजवन आउट है जिसको आपको पिक नहीं करना दोस्तों लेकर्स का लास्ट गेम का रिकॉर्ड है एक बार आप चेक कर सकते हो वेस्टबुक यार उतनी अच्छी तरीके से प्रिसीजन में नहीं खेल रहा है लेकिन दो एक दो दो तीन ऐसे प्लेयर्स है जो बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं ठीक है, है? दोस्तों एंथनी डेविस दोस्तों देख सकते हो ट्वेंटी एट पॉइंट नाइनटीन पॉइंट तीन डिबाउंड छः असिक्स वन ब्लॉक तीन स्टील किया था किंड बेसम ने एट पॉइंट और चार स्टील किया था बेसमुर काफ़ी अच्छा है थ्री पॉइंटेड शूटर भी है और बात की जाए तो डिफेंसिव भी अच्छा खेल रहा है वे एलिंगटन दोस्तों थ्री पॉइंटेड शूटर है उसके जॉर्डन ने 16 मिनट में 5.5 पॉइंट रिबाउंड स्कोर किया था वेस्टर्न रिवर्स ने जो उसके गार्ड है 18 मिनट में 8 पॉइंट और दो असिस्ट स्कोर किया था ठीक है नन 17 मिनट खेला था लेकिन दोस्तों नन आउट होने वाला है ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाकी के रिजर्व प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपके सामने है एक बार आप चेक कर सकते हो एलेक्स का सेकंड गेम का रिकॉर्ड है एक बार आप फिर से चेक कर लेना डबल डबल लगा था दोस्तों डॉइट हावट ने 24 फोर मीट यानी कि दो क्वार्टर खेलने के लिए उसको मौका मिला था और जॉर्डन को भी दोस्तों 22 मिनट खेलने के लिए मौका मिला था आप एक बार चेक कर सकते हो ठीक है ए में दोस्तों गोल्ड स्टेट वोरेस के खिलाफ ही मैच हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है और सेकंड मैच भी दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे गोल्ड स्टेट वोरेस का लास्ट गेम है वो लेकर्स के खिलाफ ही हुआ था जहाँ पे स्टेफन करी और जॉर्डन पुल ने बहुत ही अच्छा स्कोरिंग किया था उसके ड्रीमन ग्रीन ने यार अच्छा खासा डिफेंसिव खेल दिखाया था दो ब्लॉक तीन स्टील उसके बाद दोस्तों ओट ऑफ पोटर नौ पॉइंट छह रिबाउंड और बेंन से आके यहाँ पे टॉसकाडा एंडरसन ने छः पॉइंट चार असिस्ट और वन ब्लॉक और दोस्तों दो स्टील करके काफ़ी अच्छा स्कोरिंग किया था तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में आपको स्टार्टिंग लाइनअप का अपडेट इंजरी न्यूज़ का अपडेट ड्रीम इलेवन टीम का अपडेट आपको सभी तरह का हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों विनिंग की बात करूँ तो कुछ इस टाइप से विनिंग कर सकते हो ग्रैंड लीग भी, भी दोस्तों आप दिखा देना चाहता हूँ मैं दोस्तों देख सकते हो अगर आप भी कुछ इसी तरह से विनिंग करना चाहते हो बास्केटबॉल में तो भाई लोग ज्वाइन जरूर करिए हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक कीजिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नाम है फ्लेम स्पॉट जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों बिल्कुल फ्री है अभी दोस्तों हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि मेरे ख्याल से तीनों एंथनी डेविस रक्षे फेसबुक और दोस्तों यहाँ पर लेब्रोन जेम्स एक साथ खेलने वाला है या नहीं वरना दोस्तों पीजी सेक्शन में जोर्डन पुले है स्टेफन करी है ये बहुत ही खास ऑप्शन है क्योंकि दोस्तों बात की जाए तो अभी दोस्तों जितने भी मैच हुए हैं तीन मैचिज सभी में चले हैं ठीक है इसलिए दोस्तों ये दो अच्छे ऑप्शन है उसके बाद दोस्तों मलिंग मोक नहीं है क्ले थॉम्सन नहीं है एलिंगटोन है डेम मेडली उतना अच्छा नहीं खेल रहा टेलर होटल टक्कर नहीं है एवरी बेड लिए उसको टाइम नहीं मिल रहा मल्डर को टाइम नहीं मिल रहा ठीक है तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिव अच्छा ऑप्शन बनता है और वे एलिंगटन अच्छा ऑप्शन बनता है ठीक है ये आपको याद रखना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंद्र विग्स का अभी देखना है कि वो खेलने वाला है या नहीं ठीक है अभी वो क्वेश्चनेबल प्लेयर है उसके दो ओटो को आप ले सकते हो ठीक है ये अच्छा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए उसका दोस्तों यहाँ पे भेजमोर अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि बेजमोर की बात करो पिछला सीजन आपने देखा होगा कि गोल्ड स्टेयर उर्स की तरफ से खेला था तो मेरे ख्याल से गोल्ड स्टेयर के खिलाफ अच्छा काम करके दे सकता है उसके बाद दोस्तों एंथनी डेवस काफ़ी अच्छी पिक है आप ले सकते हो क्योंकि अभी चला है उसको टाइम भी मिला है डिफेंसिवली ऑफेंसिवली उसने ठीक ठाक खेल दिखाया है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो एक और ऑप्शन है दोस्तों टोस्कारडो एंडरसन है और ये नेमानिया बी है ठीक है तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप ले सकते हो तो यहाँ पे जेम्स वाइजमैन तो आउट है हावर्ड को दोस्तों लास्ट गेम में 12 मिनट ही खेलने के लिए, लिए मौका मिला था और सेकंड लास्ट गेम में 24 मिनट यानी कि 24 मिनट तो एक रिस्की ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है ग्रैंड लीग के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हो वरना सेफ पिक दोस्तों रहेगा अगर जोर्डन स्टार्ट नहीं करता तो आपको लूनी को लेना है अगर लोनी को अगर जोर्डन स्टार्ट करता है तो आपको जोर्डन को लेना है ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे तो बाकी के प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे एलिंगटन को ले सकते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेब्रोन जेम्स के साथ आप जा सकते हो ड्रीमोंड ग्रीन को ले सकते हो फिर दोस्तों यहाँ पे आएगा क्रेडिट इश्यू ठीक है तो एलिंगटन को ना लेके आपको रिवर्स को लेना पड़ेगा फिर जाकर आप लूनी को या तो जॉर्डन बेल को ले सकते हो वरना आपको ड्रीम ग्रीन को ड्रॉप करना पड़ सकता है उसकी जगह लोनी या तो फिर जॉर्डन जो भी स्टार्ट करे उसको लेना पड़ सकता है वरना एन्द्रू विगन्स अगर कल अवेलेबल होता है तो एन्द्रू विगन्स को आप ज़रूर अपनी टीम में पिक कर सकते हो ठीक है तो बाकी फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है फ्रेंड्स तो बाय बाय हरे कृष्णा टेक केयर मिलते हैं अगले वीडियो में और हाँ दोस्तों स्टार पर वाइस कैप्टन के, के लिए दोस्तों यहाँ पे जॉर्डन पुलिस स्टेफन करी गोल्ड शेडवर्स की तरफ से बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं एंथनी डेविस और लेबरन जेम्स ऑप्शन होने वाले हैं बहुत ही बेस्ट लेकर्स की तरफ से